देखिए, पहले तो हम इस घटना की निंदा करते हैं, और जहां तक जो कार्रवाई हो रही है, तो देखिए ये कहाँ का न्याय है। तो पहले तो कार्रवाई करे, कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे, और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करें, तो ये कहाँ का न्याय है। और फिर देखिए, ये जो हम तो कहेंगे, जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। देखिए, वो ही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे, मैं तो उसका समर्थन करता, उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घटना को राजनीति का तूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा लिया जाए। नहीं, देखिए, पीड़िता का इनका भी करा लेना, इसका समर्थन करता हूँ मैं। अमन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा लिया, और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए। इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। मान लीजिए, अगर अगर मैंने जो कहा है कि यही कार्रवाई करें, यही फिर उसमें दंड दें, दंड दें, तो इस पर अगर इस तरीके से ये कर रहे हैं, तो राजनीति जो इस घटना में भी राजनीति कर रहे हैं, और तो केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए, केवल ये उस वहां पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव, अब हारे हैं जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है, तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं, जहां जहां चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं तो वो ही नहीं, इनके मन में जो टीच है तो उसकी वजह से इसी तरीके से तूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर भी सावधान रहें, इस तरीके की घटना करा करके ये कार्रवाई करेंगे, दंड भी देंगे, ये कहाँ करना है। हाँ? अच्छा, ये बताइए, समाज ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा अपराधी कोई नहीं, ये तो कब्जा तो कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं तो कर रहे हैं। और जो देखिए लखनऊ में घटना हुई है, तो सबके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये केवल दो ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सबके साथ होना चाहिए।
मैं तो जो समाजवादी पार्टी ने श्वेत पत्र जारी किया है उसका समर्थन करता हूँ। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह के, या हम ये जो मुख्यमंत्री हैं क्या एक वर्ग के हैं मुख्यमंत्री हैं? एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं क्या? ये तो पूरे जनता के मुख्यमंत्री हैं। ऐसा इस तरीके का गलत बयानबाजी अगर कोई मुख्यमंत्री करे उसे तो पूरा न्याय देना चाहिए ना। ये तो एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है तो क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी कर सबके साथ? उस घटना में तो बहुत लोग थे तो दो ही पर कार्रवाई क्यों हो? सब पर हो कार्रवाई। और हम बिल्कुल इस पक्ष के नहीं हैं जो अपराधी है जिन्होंने घटना अगर की है उन पर कार्रवाई हो, लेकिन किसी वर्ग को लेकर के बदनाम करने की अगर कोशिश करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं, हर वर्ग के हैं मुख्यमंत्री।